हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक वुड फार्म। क्योंकि गाइस, मेरे यहाँ पे ज्यादातर चीजें तुम लोग देख सकते हो वुड से ही बनी हुई है, इसीलिए गाइस मुझे यहाँ पे वुड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगा कि मुझे वुड का फार्म बना लेना चाहिए, तो इसीलिए गाइस आज हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक वुड का फार्म। और प्लीज मेरे काउस को इग्नोर करो आप लोग, ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए, और इसके लिए जो जो आइटम हम लोगों को लगेगा वो मैं कलेक्ट करके मिलता हूँ हमेशा की तरह। और मैं ये ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ मेरे को भी पता नहीं पड़ता। तो गाइस, ये देखो, मैंने यहाँ पे आज स्प्लिट कंट्रोल भी ऑन कर लिया है, क्योंकि तुम ही लोग कहते हो यार के स्प्लिट कंट्रोल ऑन रखा करो स्प्लिट को, बट यार ये मुझसे होता नहीं। क्योंकि इसके लिए क्या होता है ना कि मेरे को एक ही डायरेक्शन में देखना पड़ता है, और अगर स्प्लिट नहीं होता ना तो मैं कहीं पे भी टैप कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखो मैं एक के ऊपर ही टैप करना पड़ेगा मेरे को। ये देखो, इसीलिए इसमें यही दिक्कत है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये है बहुत बढ़िया फीचर इसके अंदर। हम लोगों को लगेगी इसके अंदर दो स्टैक, समझ लो तुम लोग, हम लोगों को लगेंगे इसके अंदर स्टोन के, और डर्ट हम लोगों को लगेगी थोड़ी ज्यादा। डर्ट ज्यादा नहीं लगने वाली, डर्ट भी हम लोगों को दो स्टैक ही ले लेनी है। तो अभी हम लोग चलते हैं, बस इतना ही आइटम लगेगा भाई। रुको रुको रुको, दो लेटर भी चाहिए। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ अपने वुड फार्म को यहाँ पे बना लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए, लेकिन सबसे पहले मेरे को यही काम करना पड़ेगा, इस एरिया को क्लियर करते हैं जल्दी से अपने। और यार मेरे को डर्ट नहीं लानी चाहिए थी, जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। ये देखो, स्प्लिट कंट्रोल में यही दिक्कत है मेरे साथ। तो तुम लोग गाइस यार कहते हो और फिर बाद में मेरे से होता नहीं है यार, इसीलिए तुम लोग मेरे को दो मिनट, मैं इस एरिया को क्लियर करके फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। ये देखो गाइस, क्या सही तरीके से खुदा है मुझसे। ये देखो, जितना मैंने ऊपर का नहीं हटाया उससे ज्यादा तो मैंने नीचे का हटा दिया भाई, क्या मस्त तरीके से खोदा है मैंने। देखो, अभी मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे इस तरफ से आता हूँ मैं ना, तो मुझे इसका फेस चाहिए होगा इस तरफ को, यानी इस तरफ रहेगा तो बढ़िया रहेगा इसका फेस। तो मेरे को ये वाला एरिया भी जल्दी से हटाना पड़ेगा यहाँ पे मेरा शायद। ओके, ये रहा मेरा एक्सपी फार्म, तो इसको तो यहीं पर रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लो, इतना एरिया मेरे को हटाना पड़ेगा मान के चलो। ओके, तो इतना एरिया मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर तुम लोगों से वापस से मिलता हूँ। बस दो मिनट दे दो, बस ज्यादा नहीं, दो मिनट, फिर हम लोग अपना काम चालू करेंगे। और गाइस, मैं तुम लोगों को एक और स्पेशल न्यूज देना चाहता हूँ बहुत जल्द। गाइस, अपने चैनल पे जावा एडिशन की भी वीडियोस आने वाली है। तो गाइस, अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर से करना गाइज। और हो सके उतना जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा अपने जावा एडिशन की वीडियोस माइनक्राफ्ट की, और उसी के साथ हम लोग ट्राई करेंगे बहुत से न्यू गेम्स गाइज। अभी मजा आएगा ना वीडियो, बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं तो। तुम लोग भी अगर हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो देखो, अभी यहाँ पे मैं इसको बनाने वाला हूँ, तो इसका फेस मुझे चाहिए होगा इस तरफ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं ना। तो देखो, यहाँ पे मुझे लगेगा सबसे पहले स्टोन, वो भी काफी सारा, मतलब जितना है। तो यहाँ पे मेरे को इसको करना है 9 ब्लॉक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हो चुका है 9। अभी इसको मुझे लेके जाना है 30 ब्लॉक दूर, और इतना हो जाएगा क्या ये 30 ब्लॉक, देखते हैं जरा, करते हैं हम लोग, पहले गिनते हैं जरा 30 ब्लॉक, 1 2 3। तो गाइस, ये अपना कंप्लीट हो चुका है ये एरिया। तो अभी देखो, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ना, यहाँ पे मेरे को एक ब्लॉक और डिग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना वॉटर आएगा अपने आइटम को क्लिक करने के लिए। तो यहाँ से मैं जल्दी से इस एरिया को क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ फटाफट। ओके, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। तो अभी देखो, यहाँ पे मेरे को 7 ब्लॉक छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वें ब्लॉक को मेरे को डिक कर देना है। ओके, सेम ये का यही मेरे को इस तरफ भी करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ओके, ये हो चुका। तो अब इस एरिया को भी जल्दी से क्लियर कर देते हैं हम लोग। ये हो गया अपना बीच का एरिया। ओके, ये सही है, एकदम सही है यहाँ पे।
तो ये हो गया अपना बीच का एरिया। देन अभी यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपने दो होपर्स इस जगह पे। तो अभी यहाँ का एरिया सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ऊपर जाने के लिए रास्ता बना देते हैं अपने लिए। यहाँ पे मेक श्योर मेरे को सबसे पहले लगा देने हैं अपने दो चेस्ट कुछ ऐसे। देन वन, अरे मैं गिर गया, वन एंड टू। ओके ये हो चुके हैं कनेक्ट अपने साथ। और यहाँ पे लगा देने हैं मेरे को दो होपर्स कुछ ऐसे, एक और ये दो। ठीक है अभी ये कनेक्ट हो चुके हैं, ये दिख रहा है मेरे को। तो अभी या गाइस यहाँ पे ना मेरे को वाटर डालना है और देखना है पानी वहाँ तक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा। सबसे पहले वन मैं एक और बकेट लेके आता हूँ, अगर पहुँच रहा होगा तो ठीक है, वरना उसको ही उठा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखते हैं जरा पहुँच रहा है क्या। ओके पहुँच रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पर भी एक वाटर डाल देता हूँ मैं बकेट। ओके यहाँ पे तो पानी पहुँच रहा है। ओके तो अभी देखो यहाँ पे मेरे को, ओके मैं स्टेयर्स नहीं लाया ना अपने साथ, तो यहाँ पे लग चुकी है अपनी स्टेयर्स और इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है गाइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे इस तरफ मेरे को रखना है एक ब्लॉक, यहाँ पे वन और यहाँ पे दो तीन और ये चौथा ब्लॉक, और इसके ऊपर मुझे एक और ब्लॉक रख देना है। और यहाँ पे गाइस मेरे को लगा देनी है डर्ट कुछ ऐसे, नहीं यहाँ पे जैसे लगाया वैसे नहीं, एक यहाँ पे देन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस जगह पे। ओके ये चार ब्लॉक हो गए। अब भी मेरे को रखने लगाने हैं यहाँ पे स्टोन। तो स्टोन कैसे लगाने वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे रखना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके सिक्स के अराउंड मेरे को यहाँ पे रखने हैं। वापस से मुझे वापस से यही डायरेक्ट रख देनी है चार ब्लॉक वाली, और इस नीचे वाले को हटा देते हैं हम लोग। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ये हो चुका है अपना काम। अभी यहाँ पे मुझे लेटर्स लगानी थी बट मैं लेके नहीं आया, और मैं अपने साथ वो भी नहीं लेके आया ना। ठीक है तो मैं और थोड़ा बहुत आइटम लेके आता हूँ, फिर तुम लोगों से वापस यहीं पे मिलते हैं। तो यहाँ पे लगा देनी है मुझे अपनी ये, ठीक है, और ये काम भी अपना हो चुका है। तो अभी गाइस क्या करना है ना मेरे को, यहाँ पे डालना होगा वाटर नीचे की तरफ को, पूरा वाटर डालना है मेरे को। तो मुझे दो तुम लोग दो मिनट, मैं यहाँ पे इन्फिनाइट वाटर बना के डालता हूँ। इसी को उठा लेते हैं ना, ये देखो पानी भी यहाँ पे एकदम सही इक्वली रुक रहा है। तो यहाँ पे इसको करके यहीं से पानी डाल देता हूँ वापस इसके अंदर। भाई दिमाग इसको बोलते हैं दिमाग। अभी यहाँ से पानी उठा उठा के जल्दी जल्दी इसे डालते हैं। तू यहाँ पे कैसे आया भाई मेरे, अच्छा ये चढ़ के आ गया होगा ना। ठीक है तो अभी गाइस क्या करना है ना, अभी मेरे को यहाँ से इसको हटा देना है, इसका भी कोई यूज नहीं। ओके और तू मरेगा, तू मरेगा, अरे नहीं मरा, अच्छा हाँ यार ये स्पिरिट कंट्रोल भाई। अभी गाइस क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जाना होगा 30 ब्लॉक ऊपर की तरफ। ठीक है ओके अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। 30 ब्लॉक मैंने काउंट कर लिए यहाँ पे, अभी गिनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों को। ओके तो ये अपने 30 ब्लॉक लग चुके हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे क्या करना है मेरे को, ये 29 जो स्टेयर्स मतलब ये जो लेके आए हैं स्लैब्स डिक्स के, वो मुझे लगाने हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, वो भी 29 ब्लॉक आगे की तरफ। अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये स्लैब मैंने क्यों लगाया यहाँ पे। ये स्लैब इसलिए लगाए गाइस मैंने, क्योंकि यहाँ पे जब वो पेड़ जब ग्रोथ होंगे ना, तो यहीं से कूद के मैं उनके ऊपर जाने वाला हूँ ना, तो यहीं पे। और यहाँ पे अपना ट्राइडेंट भी अपने मतलब बारिश चालू हो गई है भाई, पानी में प्लीज पानी में, ओह भाई बच गया। ओके मेरे को लगा भाई पानी में नहीं जाएगा ये। Then go again water. Okay, ठीक है ये अपना काम हो चुका है। तो अभी यहाँ पे ladders लगा देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अभी जल्दी से मैं अपनी जो ये स्प्रूच की ये लेके आया हूँ सैपलिंग, उनको लगा देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। और लगाते लगाते साथ ही मुझे इनको वो भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इनको बड़ा भी करना पड़ेगा, तो बड़ा भी कर ही देते हैं साथ ही साथ, देखते। ओके हुआ बड़ा, हुआ 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 गाइस, ये देखो ऐसे ही गाइस मजा आ गया। ओके गाइस तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से, ये देखो पेड़ अपने ग्रोथ हो चुके हैं और काफी बड़े ग्रोथ हुए हैं यार, ये सो नहीं सकता क्या मैं इस बारिश को रोक नहीं पाऊंगा क्या, अरे यार सो भी नहीं पा रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी यार क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये कुछ इस तरीके से अपने पेड़ दिख रहे हैं और काफी बढ़िया दिख रहे हैं यार। ठीक है तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से ये वुड कलेक्ट करता हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ मुझे कितनी वुड मिलती है यहाँ से।
तो गाइस यहाँ पे ये देखो सारा का सारा वुड मैंने कलेक्ट कर लिया है और तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो गाइस कितना सारा वुड इकट्ठा किया और बहुत ज्यादा मेरे पास आया भी नहीं, वो देखो वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते कितने क्या है अपने पास। तो गाइस यहाँ पे देखो इतना सारा वुड मुझे एक बार में मिला है। गाइस तुम लोगों को ये मेरा फार्म कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना। गाइस मुझे तो ये बहुत ओपी फार्म लगा मेरे लिए, इससे मेरी बहुत हेल्प होने वाली है। और गाइस अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और हो सके गाइस इसको उतना शेयर करो इस वीडियो को गाइस।